तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमा नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाली हूँ एसआई के फिजिकल के बारे में। तो काफ़ी लड़कियों का एसआई का फिजिकल हो चुका है, तो मेरा भी हो चुका है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे कैसे कैसे लगा और क्या लगा। तो सबसे पहले जो है वहाँ पे स्टार्टिंग में वेट का पूछा गया, तो सबका वेट तो 45 से सबको पता ही है, 45 से ऊपर होना चाहिए। हाइट भी 152 होनी चाहिए। जिसकी हाइट नहीं है, फॉर्म में लिखा गया है कि रिलैक्सेशन अगर जिसने यस किया है उसके लिए हिल सर्टिफिकेट है, और जिसने नो किया है उसके लिए हिल सर्टिफिकेट नहीं होगा। हाइट के लिए अगर जिसने नो किया है और जिसकी हाइट कम है तो उसका सिलेक्शन मतलब उसी टाइम पे वो बाहर हो जाएगा, और यस किया हुआ फॉर्म में वेरीफाई हो रखा है वहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं जिनके फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है हाइट में इशू है और हिल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका पहले में जो है ना वो बाहर हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है सेकंड पे, तो हम वेट और उस पर आ चुके हैं हाइट में, क्योंकि हाइट पे काफ़ी लोगों लड़कियों का हो रहा है, क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो सबने, ज़्यादातर लोगों ने नो कर रखा था, मैंने भी नो ही कर रखा था, लेकिन मेरी हाइट ठीक थी तो उसी पे काफ़ी हुआ। लेकिन सबकी हाइट ठीक थी इस वजह से, लेकिन किसी लड़की की हो सकता है हाइट कम हो और उसने रिलैक्सेशन पर ना किया हुआ, तो ये ध्यान रखना। वैसे आप तो एडिट वगैरह कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पर फिर भी देख के जाना। और थर्ड है, उसके बाद जो है हमारी हुई थी बॉल थ्रो। हमारा तो इसमें जो है ना बारिश हुई थी, बारिश में बॉल थ्रो कुछ हो ही नहीं पाया, और हमारा था लास्ट नंबर था, उसकी वजह से कुछ हो ही नहीं पाया, तो आगे बच्चों का थोड़ा बहुत हुआ था। तो उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट दिन हुआ था, लेकिन हमने पहले दिन एक दिन हम कंटिन्यू बारिश में रहे 3 बजे तक। 3 बजे के बाद सर घर भेज दिया कि आज नहीं होगा, तो नेक्स्ट डे हमारा हुआ। तो हमने पहले देखा बॉल थ्रो, बॉल थ्रो भी काफ़ी अच्छा था, 20 मीटर की दूरी पे था, काफ़ी लड़कियां कर रही थी और काफ़ी लड़कियां बाहर भी हो रही थी। 3 ट्रायल में काफ़ी लड़कियां बाहर भी हमारे साथ थी। फिर उसके बाद था बॉल थ्रो के बाद लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में भी मतलब 8 है तो क्वालिफाई कर ही दे रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी लड़कियां बाहर हुई हमारे साथ की, 2 लड़कियां बाहर भी। पहले तो बॉल थ्रो में बाहर भी 2-3 लड़कियां, फिर उसके बाद जो है लॉन्ग जंप में बाहर भी। तो प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा बॉल थ्रो, जिस खास करके बॉल थ्रो में 20 थोड़ा कम ही है, पर अगर प्रैक्टिस कर लोगे बॉल की तो हो जाओगे आराम से। और लॉन्ग जंप की भी कर लेना जिसको लगता है कि मैं लॉन्ग जंप नहीं कर पाऊँगी। और फिर हुआ हमारा रेस। रेस में जो है 200 मीटर की रेस है, वो भी 40 सेकेंड में। तो हमारा तो ग्राउंड में नहीं हुआ था, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा गीला गीला था ग्राउंड। हमारा रोड में हुआ था, फर्स्ट गेट से लेके जहाँ पे, आइडिया तो नहीं मुझे कहाँ पे था के, लेकिन फर्स्ट गेट से रोड में हुआ था वहाँ पे। तो हमारा तो हो चुका था। उस रेस में भी जो है काफ़ी लड़कियाँ बाहर हुई थी। ध्यान से रखिए और रेस की थोड़ी प्रैक्टिस करिए लड़कियों थोड़ा सा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा रेस भी। फिर इसके बाद क्या, स्किपिंग तो हो ही जाती है। स्किपिंग और शटल रेस में कोई बाहर नहीं हुआ। शटल रेस में 29 सेकंड का है और सब लोग कर पा रही है, 25 से 26 में कर रही है। और रेस में भी जो है ना काफ़ी लड़कियां तो 35 में ही कर रही है, कोई तो 30 सेकंड में ही रेस मार रही है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। लॉन्ग जंप भी सब अच्छा कर रहे हैं। तो बस इतना ही है। और स्किपिंग वगैरह तो नॉर्मल हो ही जाए, शटल रेस वगैरह तो हो जाती है। इसके बाद क्या, ये सब आपका क्वालिफाई हो गया तो आप एसआई के लिए क्वालिफाइड हो। बस आपको सर्टिफिकेट में कुछ नहीं ले जाना, आपको बस आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी ले जानी, अगर है तो ले जा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आधार कार्ड भी दिखा सकते हो। एडमिट कार्ड ले जानी है, 2 फोटो मांगी है, 2 फोटो ले जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए। जिसका हिल है, जिसने रिलैक्सेशन पे यस किया हुआ और हिल है तो वो ले जा सकते हैं, और जिसके STSC वगैरह है उनका सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी ले जा सकते हैं अपना, नहीं तो बाकी कुछ नहीं ले जाना, आधार कार्ड, फोटो कॉपी और एडमिट कार्ड, बस इतना ही है। तो मैं आप लोगों को जो है पुलिस लाइन के जो है ना थोड़े व्यू दिखाती हूँ कि कैसे कैसे लड़कियाँ कर रही है और कैसा कैसा ग्राउंड है, क्योंकि बिना देखे हुए ना पता ही नहीं चलता है कैसे कैसे क्या है। तो मैं आपको ग्राउंड की झलकी दिखाती हूँ कि इस बारिश में, बारिश के टाइम पे तो आज धूप लगी है, बारिश के टाइम पे कैसा था वहाँ का माहौल, तो आप लोगों को दिखाते हैं, चलो। तो दोस्तों ये है ग्राउंड, तो देख सकते हैं ये यहाँ पे ग्राउंड है। अभी सुबह का टाइम है तो अभी हमारा वेट वगैरह हाइट वगैरह नापा जाएगा। तो यहाँ पे सामने पे हॉर्स राइड देख रहे होंगे आप, वहाँ से है रेस, जहाँ पे हॉर्स दिख रहा है ना आपको वहाँ से रेस है, जहाँ पे कैंप लगा रखा है नीचे पर वाइट लाइनिंग है वहाँ पे तक है। तो सभी लोग यहाँ पे चले गए हैं, लड़कियाँ जा रखी है
इनका बॉल थ्रो हो चुका है तो ये लॉन्ग जंप की तरफ जा रही है, और मतलब काफ़ी लड़कियों का हो चुका है बाहर, तो इसमें से एक ही लड़की हुई है। और ये लॉन्ग जंप के लिए देखें यहाँ पर इन्होंने पूरा अच्छा बना रखा है जिससे कि बारिश की वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे है रेस का, तो यहाँ पे होगी रेस, ये एंड पॉइंट है गेट नंबर फर्स्ट से लेके और यहाँ पे तक होगी रेस। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भयंकर बारिश हो चुकी है बहुत तेज़, सभी लोग लड़कियाँ जो है ना यहाँ पे बैठी हुई है और कुछ कर भी नहीं सकते इस बारिश में, मतलब कंटिन्यू बारिश लगी ही हुई है। तो सामने पे यहाँ पे होनी थी हमारे स्कीपिंग और जस्ट उसके बगल पे रेस के लिए था, ये यहाँ पे वाइट देख रहे हैं ना वहाँ पे रेस के लिए था, लेकिन क्या करें हो ही नहीं पाया, सामने पे लॉन्ग जंप है। सभी लड़कियों बोल रही हैं बारिश रुक जाए रुक जाए, लेकिन बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यू चली आ रही है। अरे सामने पे देख रहे हैं तंबू जैसा, इसमें होने थे हमारे बॉल थ्रो जहाँ पे वो दो लोग हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, अब लगता है सिर्फ घर जाना पड़ेगा हमको। अभी जिनका जो है ना लॉन्ग जंप बॉल थ्रो और हो चुका है उनका वो पूरा करा रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी रेस चल रही है, काफ़ी लड़कियाँ हो चुकी हैं, मतलब चार चार करके भगा रहे हैं लड़कियों को। तो हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे जिन लड़कियों का लॉन्ग जंप और बॉल थ्रो हो चुका है उनकी रेस करा रहे हैं, उनका पूरा हो जाएगा कम्प्लीटली। तो सामने पे लड़कियों को देख रहे होंगे भागते हुए आ रही है लड़कियाँ, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ फ्लोर पे जो है ना इसकी स्कीपिंग हुई थी और जस्ट इसके बगल में जो है सेकंड फ्लोर में जो है इनकी सेटल रेस हुई थी, तो ये जो है क्वालिफाइड हो चुके हैं। दोस्तों आप लोग भी काफ़ी तैयारी कीजिए और फिर जिनका हो चुका है वो पेपर की तैयारी कीजिए। तो गुड लक आप सभी लोगों को, और इस ब्लॉग को जो है ना यहीं तक रखते हैं। बाय बाय।